मैं रंजन कुमार पंडित, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। और मैं हमें लग रहा था शुरू से ही कि हमें कुछ करना है, कुछ करना है, तो मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। 10+2 के बाद मैं क्या करूँ, किस लाइन में मैं जाऊँ। तो फिर हमने काफ़ी सारे इन्वेस्टिंग करके फिर हमें लगा कि मेडिकल लाइन हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। फिर हमने नेट पे सर्च किया लैब टेक्नीशियन के बारे में, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के बारे में मिला लिस्ट, मगर नहीं है। फिर आया मैं दिल्ली, दिल्ली में आके काफ़ी जगह मैं मालूम किया कि कहाँ पे कोर्स सबसे अच्छा होता है, स्टडी कहाँ है, कहाँ की क्वालिटी अच्छी है पढ़ाई की। तो फिर मैं DP में आया, फिर यहाँ से मालूम किया कि यहाँ पे अच्छी होती है और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर भी मैं आके एडमिशन लिया, 3 साल कंटिन्यू BSMLT में पढ़ाई किया लैब का। और फिर यहाँ से हमें एक अच्छी जॉब प्रोफाइल मिली, मैं जहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ डॉक्टर मधु MR पैथ लैब है, और वहाँ पे ऐसा मैं DPI कर दिया कि मैं आगे इंडिया के किसी भी कोने या वर्ल्ड के किसी कोने में भी जाके मैं जॉब कर सकता हूँ, हमें किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। DPI में इस लायक हमें आज बना दिया है, मैं प्राउड करता हूँ DPMI पे। थैंक यू DPMI। DPMI की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। आज के जनरेशन में DPMI हर बच्चों को स्किल डेवलप इंडिया के तहत हर लाइन में यहाँ पे जॉब के लिए रिकॉग्नाइज स्टडी होती रहती है, यहाँ पे जॉब प्लेसमेंट होते रहते हैं, काफ़ी सारे कंपनी यहाँ पे आती है, बच्चों को यहाँ से सेलेक्ट करके लेके जाती है। मैं DPMI को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसे इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, ऐसे थिंक रखने के लिए।